हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों पर 292 भर्ती होनी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, हम आपको बताएंगे कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी फ़ीस और किस डेट से आपको इसमें आवेदन कर सकते हैं, किस डेट से, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com और ये जो पोस्ट है UGVCL जूनियर असिस्टेंट सिलेबस रिक्रूटमेंट 2018, हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com वहाँ से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस जो उसका एग्ज़ाम होना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न और क्या सिलेबस रहेगा, उसकी पूरी भर्ती के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट नेम है उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड है और उसमें जो पोस्ट है टोटल वो 292 है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 253 है और जूनियर इंजीनियर सिविल की 5 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है वो 34 है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो उसमें 21/7/2018 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है उसकी 10/8/2018 है। एग्ज़ाम डेट इसकी अभी जारी नोटिफिकेशन में नहीं आया, जैसे होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन देंगे और उसके जो एडमिट कार्ड है कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से देंगे दोस्तों, जैसे ही जारी होती है। एज की हम बात करें तो उसके अंदर आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए जनरल के लिए और SC ST और SEBC की जो एज होनी चाहिए मैक्सिमम वो 40 रहेगी। फीमेल कैंडिडेट जो होंगी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और फिजिकल हैंडीक्राफ्टेड और एक्स आर्म फोर्स पर्सनल एज जो उनकी एज है 19 जुलाई 2018 को 10 साल का उनका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैलरी की हम बात करें तो उसमें फर्स्ट ईयर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 17,500 दी जाएगी और सेकंड ईयर में आपको 19,000 दी जाएगी और थर्ड ईयर में आपको 20,500 सैलरी दी जाएगी जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए है। और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए फर्स्ट ईयर में जो है आपकी 37,000 रहेगी, सेकेंड ईयर में आपकी 39,000 सैलरी दी जाएगी। और उसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसमें फर्स्ट ईयर 37,000 और सेकंड ईयर आपको 39,000 सैलरी दी जाएगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि अप्रूवल हो UGC और AICTE से। और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए BE सिविल और BTEC सिविल से आपकी पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और ऐसे ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की इसमें BE इलेक्ट्रिकल से, BTEC इलेक्ट्रिकल से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फीस की हम बात करें तो उसमें 500 रुपये फीस आपको पे करनी होगी रिजर्व कैटेगरी और SEBC कैंडिडेट जो होंगे और उनके बाद जो 250 रुपये फीस SC ST कैंडिडेट जो होंगे उनको पे करनी होगी और SC ST PWD 250 रुपये है। उसमें जो आपका फीस पे करने का जो मोड रहेगा, वे जो रहेगा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी आप फीस पे कर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा वो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, सेक्शन ए सेक्शन सेकंड जनरल नॉलेज के 10% रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज के 20%, मैथमेटिक एंड जनरल के 15%, एनालिटिक एंड लॉजिस्टिक रीजनिंग के 15% और सेक्शन 5th जो रहेगा उसमें कंप्यूटर नॉलेज 20% और सेक्शन 6 जो है गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर की 20% आपके क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जो कि इंग्लिश और गुजरात लैंग्वेज में होंगे। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है और जो कि आप देख सकते हैं सब अलग अलग, उसमें ये सिविल जो इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें आपको अप्लाई कैसे करना है और साथ में इसका जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक अपने यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ से क्लिक करके इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी इन्होंने दी हुई है, फिक्स रिकमेंडेशन जो रहेगा तो आप यहां से इस PDF को अच्छी तरह से आप रीड करें, उसके बाद अपना जो आवेदन है वो तभी आप फिल करें। नेक्स्ट चलते हैं अप्लाई कैसे करना है, आपको यहां पर दिया हुआ है अलग अलग पोस्ट जो है उसके सामने उसका नोटिफिकेशन है वो आप यहां से देख लेंगे। और अप्लाई करने के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर ये दिया एप्लीकेबल कैपेबिलिटी, एप्लीकेशन कैपेबिलिटी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ये ओपन होगा। दोस्तों ये मैंने फिलहाल क्रोम ओपन में किया था, क्रोम में, तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको लिंक को आप कॉपी करके ऊपर से यहाँ पर पेस्ट करके आपके सामने उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइटल डालना है,
मिस्टर मिसेज या MRS जो अभी है वो यहाँ सेलेक्ट करके सरनेम, कैंडिडेट नेम और फादर नेम डालना है। ऐसे ही जो आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड है या विडोज़ है, तो आप यहाँ से डाइवोर्सीज हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स या हस्बैंड जो नेम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। नेशनलिटी, आपकी रिलीजन कौन सा है और आपका मेल या फीमेल सेक्स आपको यहाँ पर डालना है। योर कैटेगरी, किस कैटेगरी से हैं आप, यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन कास्ट कौन सी है आपकी, यहाँ से क्या जो कैटेगरी है कास्ट की वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाइट कितनी है आपकी, सेंटीमीटर आपको डालनी है। डेट ऑफ बर्थ और डेट एज ऑन 21/7/2018 को आपकी जो डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। पर्सनल आइडेंटिफिकेटर मार्क को है, क्या है आपका मार्क्स जो वो डालना है। ईमेल आईडी और आपका पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ सेम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेट सिटी पिन कोड, स्टेट सिटी पिन कोड और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन का आएगा, अपलोड फोटो करनी है आपको, कन्फर्म एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करनी है, प्रिंट एप्लीकेशन फ़ीस आपको निकालनी है और प्रिंट कॉल लेटर, जो कल कॉल लेटर आपका जारी होगा तो आप यहाँ से प्रिंट कॉल लेटर पे जाके अपना जो कॉल लेटर है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये स्टेप को फॉलो करना है तो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं वेबसाइट पर ही, यहाँ पर कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरह से। इस पोस्ट को आप रीड कर लें दोस्तों, उसके जो नोटिफिकेशन आए हैं वो भी आपको डाउनलोड उसमें दिख जाएगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो है हमने यहाँ भी दी हुई है इस PDF में, आप जो टर्म कंडीशन जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इसका जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा उसके बारे में आपको बताएंगे, उसका जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कब उसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।